भाइयों के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ और अब हम लोग जाने लगे हैं जी ओरेंज लाइन ट्रेन का सफ़र करने। कई लोगों ने इसकी रिव्यू वीडियो डाल दी तो अब इसकी रिव्यू वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ये देख लें आप, सारा लॉकडाउन की वजह से बंद था तो अभी चल रहा है, अब हम टोकन लेने जा रहे हैं, फिर आगे बात करें। काफ़ी लोगों ने इसकी रिव्यू वीडियो पहले ही डाल दिया तो मैं थोड़ा लेट हूँ रिव्यू वीडियो डालने में। दूसरी ट्रेन निकल रही है, ये देखें जी पीछे मेरे ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, ये देखते हैं आप। इससे आगे नहीं जाना है, हमें इससे आगे नहीं जा सकते। बाकी ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं, जब आएगी ट्रेन तो ये खुद ही खुल जाएंगे। अरे सो के उठो, खुलिया देखिएगा मेरा। आ गई ट्रेन जी, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। दरवाजे खुल गए सारे जैसे आप देख रहे हैं। ये ऑटोमेटिक डोर से खुद ही बंद हो जाएंगे। चिल्ड है ट्रेन, सारी सहूलत उन्होंने दी हुई है, सहूलत उन्होंने सारी दी हुई है, हैंडल वगैरह दिए हुए हैं इसके सारे कि अगर आप नहीं जा सकते आप इसको पकड़ के जा सकते हैं। ये अनाउंसमेंट चल रही होती है पीछे, यानी प्रॉपर सही है और लोगों ने भी जो है ना इसको मेंटेन अच्छी तरह रखना। ये देखिए डोर बंद हो गए, अब ये ट्रेन चलेगी, ये इसकी बैग है, इसकी आप पटरियाँ भेज लें। स्टॉप आ गया, तो यहाँ पे रुकी है। ईद के बाद इन्होंने इसको ओपन किया है ना, तो रश नहीं है, नहीं तो ईद से पहले भी ये चली है तो तब रश ज़्यादा था, लोगों का रश कम है, उस तरह नहीं है जो पहले होना चाहिए। नारगली, ये अंडरग्राउंड है नारगली स्टेशन इनका। अब आएगा GPO, फिर लक्ष्मी, फिर रेलवे स्टेशन, फिर सुल्तानपुरा, फिर UET, फिर भगवानपुरा, फिर आना मेरा शालामार, यानी भी काफ़ी स्टेशन है। आप मेरे सामने खड़े हैं, आपको उनका इंटरव्यू देखते हैं, उनका क्या रिव्यू है इस ऑरेंज ट्रेन के बारे में। आपको कैसी लगी ये ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन आवाम के सहूलत के वाले से? सहूलत के वाले से ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का आम जो है ना वो गरीब आम है, 80% जो 20% आम है ना उसको तो परवाह भी नहीं है, वो बैठा भी नहीं है जी। मेन मसला ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये जो दूर वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है। दूर वालों के लिए अच्छी है,
लेकिन जो लोग व्यापारी थे ना, जो सौदा ले जाने में लाने में जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, बेसिकली ये उनके लिए बनानी चाहिए थी कि जो शालवी जाते हैं या उनके जो रामगढ़ जाते हैं खरीदारी करते हैं होलसेल मार्केट से, वो बैठते इस पर तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। दुकानदार लेकिन अब तो महंगाई ने लोगों को वो कर दिया है सारा। अभी तो वही मैं कह रहा था ना, इतना उस हिसाब से रश नहीं है जो पहले था लॉकडाउन से। स्टार्टिंग में लोग ज़्यादा था, पाकिस्तान के आवाम जो है फिर भी गरीब आवाम है, हम लोग इंडिया से भी नीचे आ रहे हैं। इंडिया तो फिर भी हमारे से बहुत अच्छा है। और अभी इसका ये भी सुन रहे हैं कि इसका जो किराया है वो बढ़ेगा, ये खदशात भी आ रहे हैं। चलिए शुक्रिया। नहीं सॉरी, रेलवे स्टेशन आ गया, लक्ष्मी गुजर गया, ये बंद हो गई, बस चलने लगी है यहाँ से भी। फिर सुल्तानपुर आएगा, फिर यूईटी आएगा, फिर भगवानपुरा, फिर शालीमार आएगा। अब यूट्यूब पे और देखेंगे, बड़े लोगों ने इसका रिव्यू डाला है, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन, सॉरी ऑरेंज ट्रेन का अगला सुल्तानपुर है। स्पीड भी अच्छी है यार, और माशाल्लाह से टोकन भी अच्छा है। ये देखिए स्टॉप मेरा है शालामार गार्डन है, तो फिर मैं वो अपने स्टॉप पे उतर जाऊँगा। तो देखना साइड पर ट्रेन आ गई है, जो वहीं हो जाएगी जहाँ से मैं आया हूँ। ट्रेन चल गई है हमारी, देख रहे हैं अब शालामार गार्डन का स्टेशन आने लगे। हमारा स्टेशन आ गया जी, हम अपने स्टेशन पे उतर गए हैं, अब हम घर को जाने लगे हैं। पहले नीचे जाएंगे फिर घर को जाएंगे। Allah Hafiz.